आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपने गूगल वेब स्टडी में गूगल एनालिटिक्स और गूगल एडसेंस को आपस में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ताकि हम लोगों का जो भी गूगल वेब स्टडी पे ट्रैफिक है वो गूगल एनालिटिक्स में भी हो जाए, दिख जाए, और साथ में उस पर एड्स को कराने के लिए गूगल एडसेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्त अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर चलते हैं और आगे का जो भी प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें गूगल का ही एक प्लगइन आता है जिसका नाम है साइडगेट। तो यहाँ पे उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे प्लगइन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइडगेट को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने साइडगेट सर्च कर दिया है। अब यहाँ पे जो पहली प्लगइन आती है गूगल की, यहाँ पे इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और इस प्लगइन को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे साइडगेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस साइडगेट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही दोस्त यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अपने को दोस्त यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। यहाँ उसके बाद साइनिंग विथ गूगल पे हम लोग क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्त क्या होगा कि हम लोगों ने जिस भी गूगल अकाउंट से अपने साइट को कनेक्ट किए होंगे होस्टिंग के माध्यम से, वो ईमेल आईडी से ही यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से मैंने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है उस ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस अपने को इस ईमेल आईडी पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्त यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्त यहाँ पे वेरीफाई ऑनरशिप का ऑप्शन आएगा, तो इसको हम वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्त हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे एनालिटिक्स का जो अकाउंट है यहाँ पे शो हो रहा है। अब अपने को यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है, अपने अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर है तो नहीं है तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे सेटअप अकाउंट पे क्लिक करते हैं दोस्त, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब अपने को यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे गूगल अकाउंट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह से अपना जो गूगल एनालिटिक्स है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से अपना गूगल एनालिटिक्स जो है कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे एग्री करना है, इसको चेक कर देंगे, इसको भी चेक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट जो है इस पर हम कर देंगे क्लिक, आई एक्सेप्ट। इसके बाद गो टू माई डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। अपना डैशबोर्ड अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो भी अपना एनालिटिक्स का व्यू है यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब चलेंगे यहाँ पे अपना जो स्टोरी वाला जो प्लगइन है गूगल वेब स्टोरी वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है गूगल एडसेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे गूगल एडसेंस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को पब्लिशर आईडी डालना है। तो आपका जो भी गूगल ऐड आपने बनाया है उसमें से आपको इतना सा पब्लिशर आईडी निकाल के यहाँ पे डाल देना है और दूसरा स्लॉट आईडी है जो कि इस तरह से मिलेगा उसको निकाल कर डाल देना है। चलिए हम अपने गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है, जो ऐड कोड है मेरा, तो यहाँ से मैं पब्लिशर आईडी को यहाँ से निकाल लूँगा। आप यहाँ से भी कॉपी करके डाल सकते हैं यहाँ तक, या तो आप यहाँ से सिर्फ इतना भी आप यहाँ से पब्लिशर आईडी जो है इसको भी यहाँ से निकाल के कॉपी करके आप अपने अकाउंट में यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पब्लिशर आईडी में डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आपको ये स्लॉट आईडी मिल जाएगा जो कि ऐड स्लॉट आईडी है, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर से यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपका स्लॉट आईडी जो है यहाँ पे डाल दीजिए, उसके सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्त आप इस तरह से गूगल एनालिटिक्स और गूगल एडसेंस को गूगल वेब स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे और इसके बाद जो भी आप गूगल वेब स्टोरी बनाएंगे उस पर ऐड आना शुरू हो जाएगा और साथ में आपका गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपका वेब स्टोरी पे कितना व्यूज़ आया वो भी साथ में यहाँ पे शो होगा। और दोस्त आपको कोई भी थीम और प्लगइन की ज़रूरत हो तो दोस्त आप यहाँ पे themeraja.com पे आके कोई भी थीम और प्लगइन आप यहाँ से बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है कोई भी थीम और प्लगइन। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। साथ में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलेगा वीडियो में, तब तक जय हिंद।